तो वो तत्ब्रह्म क्या है? आठवें अध्याय के प्रथम मंत्र में ये पूछा है, किम तत्ब्रह्म पुरुषोत्तम, वो तत्ब्रह्म कौन है? तो इसका उत्तर आठवें अध्याय के तीसरे मंत्र में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा जो सिमरन करता है वो मुझे प्राप्त होता है, ओम मेरा नाम है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र ये 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में क्लियर कर दिया। फिर गीता जी के 8वें अध्याय के ही 8, 9 और 10 तीन श्लोकों में उस तत्ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना के विषय में कहा है कि जो उसकी साधना करता है और उसकी उसके साधना का कौन सा मंत्र है वो तत्वदर्शी संत बताओगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, कौन से को, जो चौथे अध्याय के गीता जी 4वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 में बताया कि जो सच्चिदानंद गण ब्रह्म की वाणी में विस्तार से लिखा गए हैं वो ज्ञान और वो मंत्र है, उसको तू तत्वदर्शी संतों से समझ, उनके दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रार्थना करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे। तो उसके लिए कहा कि वो तत्वदर्शी संत बता सकते हैं उस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में साधना का। और गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि उस सच्चिदानंद गण ब्रह्म की प्राप्ति का, उसकी साधना के ये तीन मंत्र हैं जिसमें ओम भी इंक्लूड है, क्योंकि तीन परमात्मा है, एक सर्वपुरुष ये ब्रह्म है जो गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण में प्रवेश करके दे रहा है, और एक अक्षर पुरुष है जो एक सात्संग ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर लिखा है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष के विषय में। और 17 में फिर परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा गया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरमावि से विवर्ति अवे ईश्वर है। तो उसकी साधना का 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उस सचिदानंद घन ब्रह्म का यानी परम अक्षर ब्रह्म के सिमरण का केवल इस तीन मंत्र ओम तत्सत का सिमरण करने का निर्देश है। इति निर्देश है, निर्देश माने फाइनल फैसला, फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स, ये निर्देश है। और वो त्रिविधि समर्थ है, तीन विधि, तीन प्रकार से उसका सिमरण होता है, इतना संकेत उसने कर दिया। लेकिन काल इन मंत्रों को जानता नहीं, बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बताने से उसका विनाश हो जाए, सारी प्राणी भाग जाए, तो तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिया। क्योंकि ये ज्ञान जो वेदों का परमात्मा द्वारा दिया गया, इस काल को दिया, काल ने आगे बोला, जब काल गीता बोल रहा था तो भी परमेश्वर ने अपने रिमोट से ही इससे ये रियल जो है ज्ञान कहा दिया आखिर में, ताकि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी जब हम पढ़ें तो इन प्रमाणों से हम उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी कबीर वाणी पर विश्वास कर लेंगे। और जब हमें कबीर वाणी पर विश्वास हो जाएगा फिर हमें किसी सदग्रंथ की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये जो सदग्रंथ हम आपको दिखा रहे हैं या अन्य ग्रंथ जो हैं, इनको तो इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं क्योंकि आप जी इनसे अपरिचित हैं, और आप जी के जो मार्गदर्शक गुरु जी रहे हैं वो भी इनसे अपरिचित थे, वो केवल आप जी को लोकवेद दंत कथा सुनाया करते थे और मनमुखी मनमाना आचरण आपसे करवाते थे, मनमानी पूजाएं करवाते थे, जो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में रिजेक्ट किया है कि शास्त्रीय विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनका कोई सिद्धि होती है,
और न ही वो उनकी गति होती है। और इन तीन चीज़ों के लिए हम भक्ति करते हैं, प्रथम सुख हो, फिर हमें ऐसी सिद्धि माने शक्ति हमारे अंदर आवे ताकि हम यहाँ के काल के लोक से हमारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, इतनी शक्ति हो जाएगी भक्ति की विधि से, भक्ति इस सत मंत्र से कि हम यहाँ से जब चलेंगे हमें कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि हम सबका फैसला करवा सबका जो है ना ऋण उतारते हुए चलेंगे। अब आपको दिखाते हैं गीता जी अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 1, ये देखिएगा, ये है अथ अष्टमोध्याय 8वां अध्याय। इस प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब क्या पूछा है कि ये तत्ब्रह्म क्या है। ये गीता जी अध्याय नंबर 7 के 30 मंत्र हैं, 29वें श्लोक में, 29वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, माम आश्रित माने मैंने जो ज्ञान दिया है उस पर जो आश्रित हो गया कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, और तत्वदर्शी संत फिर जो ज्ञान देगा उस तत्ब्रह्म के बारे में सारे अध्यात्म ज्ञान को सही से समझाएगा, उसके पश्चात जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, माम आश्रित है यानी मेरी मेरे पर आश्रित होकर इस वचन ज्ञान पर यतन्ति ये जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे ज्ञान मेरे द्वारा दिए गए अध्यात्म ज्ञान पर आश्रित होकर जरा मरण मोक्षाय, जरा मैंने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से मोक्ष प्राप्ति के लिए ये यतन्ति जो यतन करते हैं, जो परिश्रम प्रयत्न कर रहे हैं, ते ब्रह्म तत्विदु, वे तत्ब्रह्म को जान चुके हैं, जानते हैं, ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, वे सभी कृष्ण माने सारे अध्यात्म कंप्लीट संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं, और अखिलम यानी सारे कर्म से भी परिचित हैं, और वे उस तत्ब्रह्म से भी परिचित हैं जो केवल जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो यत्न करते हैं, जो मेरे इस द्वारा दिए गए ज्ञान पर आश्रित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, तो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम, सारे अध्यात्म कर्म संपूर्ण अध्यात्म को और सभी कर्मों को तथा वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, समझ चुके हैं। अब इस तत्ब्रह्म के बारे में इनके द्वारा अनुवाद है इसका, जो मेरे शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे उस तत्ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी तत्ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। ये 30वां अध्याय है, 30वां मंत्र है, इसके बाद ये 8वां अध्याय शुरू हो जाता है, लास्ट में कहा है। तो तभी अर्जुन ने तुरंत प्रश्न किया कि प्रथम मंत्र में किम तत्ब्रह्म, किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदैवीम किम उच्यते। इसका उत्तर हे पुरुषोत्तम, तत्ब्रह्म वह ब्रह्म क्या है, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर इसने तीसरे मंत्र में दिया, 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में। ये 8वां अध्याय चल रहा है, इसका तीसरा मंत्र है। गीता ज्ञानदाता कहता है परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। यहां देखना, अब हम ये 5 और 7 में अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 5 में
गीता ज्ञान दाता कहता जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, अपना तो इसने ओम नाम बताई रखा है, स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मदभावम याति मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। ये गलत कर रखा अनुवाद इन्होंने, मदभावम माने मेरे भाव में मेरे ही अंदर आसक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और जहाँ आशा ता बासा होई, अब छठे में नियम बताया है कि ये नियम है कि जो अंत समय में ये कुंती पुत्र यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, यानी उस परम अक्षर परम के भाव में शरीर छोड़कर जाता उसको प्राप्त होता है। यानी जो भी जिसके भाव में शरीर छोड़कर जाता है तो शरीर त्याग करता उसको ही प्राप्त होता है। सदा तद भाव भावती, तद भाव भावती उसी भाव से भावित रहता है। यानी जैसे हम हनुमान पुजारी हैं और मरेंगे जब तक हनुमान नमास्ता रह जाएगी, तो ऐसे ही हम तत्परम के पुजारी हैं तो तत्पर मास्ता रह जाएगी, यदि हम ब्रह्म के पुजारी हैं तो ब्रह्म मास्ता रह जाएगी। इसका ये नियम है। फिर सातवें बताता है कि हे इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर, यानी मेरे जाल में रह और मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब स्पष्ट किया कि मेरे भाव में भावित रहेगा, मेरे गुणों से परिचित है और मेरा ही मंत्र करेगा तो स्मरण करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब आठवें नौवें और दसवें में बताया है, आठवें में बताया है इसका आगे बताते हैं। ये आठवा है, ये आठवा ये देखिएगा, ये आठवा है यहां पर और इसका यहां अनुवाद है आठवें अध्याय का आठवा। हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, ध्यान नहीं है ये तो जैसे अनुवादक की जिसी सोच है उसने कर दिया, अभ्यास योग युक्तेन, यानी जो तत्वदर्शी संत बतावेगा उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना। हे पार्थ गीता ज्ञान दाता कहता किसी परमेश्वर के विषय में बता रहा है कि हे पार्थ परमेश्वर के यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, आगे फिर बताएं, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम देव पुरुष, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई और है ये भगवान परमेश्वर, परम देव पुरुष यानी परमेश्वर उस गीता ज्ञान दाता से अन्य है, उसने अपना बता दिया पहले, अब उसके बारे में बता रहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में। नौमी में कहा कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियंस अणियांसम अनुसमर्ते ये सर्वस्य दाताराम अचिंत रूपम आदित्यवर्णम तमस्य प्रस्तात।